मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने रविवार को गांव भैरा बांकीपुर में समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि महाराणा प्रताप ने देश के लिए अपने प्राणों की कुर्बानी दी, जिसको संपूर्ण देश सैकड़ों वर्षों बाद भी इनको याद कर नमन करता है। इस दौरान सीएम ने कहा कि भाजपा ने हरियाणा में विकास कार्यों को गति देते हुए पूर्ण करवाया है। इस अवसर पर उन्होंने कांग्रेस को भी निशाने पर लेते हुए कहा कि कांग्रेस के नेता जो 10 साल का हिसाब मांग रहे हैं, सबसे पहले उन्होंने हरियाणा में अपने 10 साल का हिसाब जनता को देना चाहिए। हरियाणा में कांग्रेस का कुछ इस तरह हालत बन रही है कि केवल बाबू बेटा ही नजर आएंगे। यह लोग केवल झूठ का प्रचार किए हैं, जनता कांग्रेस का सच जानती है। 209 ऐसे स्कूल जिनके नाम उन शहीदों के नाम के ऊपर रखे हैं, जिनसे हमें प्रेरणा मिलती है, जिन्होंने इस भारत भूमि के ऊपर अपने आप को कुर्बान किया। भाइयों, मैं ये भी देखता हूँ, आप सब भी जानते हैं कि इतिहास को पूर्व के समय में इस प्रकार से प्रस्तुत किया गया है, उसका देखने का नजरिया वो विदेशी रहा है। और जिन लोगों ने इतिहास के बारे में बताया भाइयों, वो लोग इस प्रकार से इस इतिहास को स्वदेशी नजरिए से हमें आज देखने की जरूरत है। जिनकी 10 साल तक हरियाणा में कांग्रेस रही, वो चार सीट पेश करता फिर रहा चंडीगढ़ में। वो कह रहा, कहा जी 10 साल का बताओ क्या कर रहा। मैंने कहा भाई अपने उड़ी तो जा ले, तन्ने 10 साल में क्या कर रहा है, अपना तो देखना नहीं भी मैंने क्या करया, दूसरे के ऊपर आरोप लगा देने। ये एनडीए में है, झूठ बोलो और भाग जाओ। पूरा देश भाइयों इस बात को लेकर के आजादी के बाद पहली बार, अरे हमें गर्व होता है ऐसे प्रधानमंत्री के ऊपर, हमें गर्व होता है जिसने दुनिया के अंदर भारत का नाम ऊंचा किया है, ऐसे नरेंद्र मोदी के ऊपर। आपके तो पड़ोस में है, आपको तो पूरी जानकारी है, यो मुख्यमंत्री था, केंद्र में भी इनकी सरकार थी। भाइयों, इनकी कल्पना नहीं थी भी सड़क के ऊपर बहुत ज्यादा ट्रैफिक एक्सीडेंट हो रहे हैं, इसको चौड़ा कर दें, कोई कल्पना नहीं थी। ये कल्पना अगर किसी की थी, श्रद्धे अटल बिहारी वाजपेयी जी की थी, और उसने इसको फोर लाइनिंग करने का आदेश दिया। इस रोड के ऊपर काम चला था, काम तो चल गया था, परंतु ये तो लोगों का फरमान है भाई, स्वीकार करना पड़ता है। अटल जी को विपक्ष में बैठना पड़ गया, कांग्रेस की सरकार बनी, आपके सामने धीरे धीरे करके ये काम रुक गया। रुकया नहीं, रुकया इस रोड का जो दिल्ली से अमृतसर तक जाता है, किक्कर जाम आदि दीजिए किक्कर, जो चार सीट की बात कर रहा मैं उसको बताना चाह रहा हूँ। इस रूट के ऊपर काम रुक गया, लोग समस्याओं से जूझते रहे, हर रोज एक्सीडेंट होते थे, हर रोज जाम लगते थे, यहां से दिल्ली जाने में 2 घंटे लगते थे, आंख नहीं खुली और बड़े बड़े झुंड जाम गए। जाम गया नहीं जाम गया, जान है भूल गए। ताजा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी, और बेल आइकन दबाना ना भूलें।